हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली, नई दिल्ली की जो मैं हूं अभी मेट्रो स्टेशन पे और आज यहां घूमने आया हूं और इसको आपको मैं ये दिल्ली की जो कहां कहां मैंने घूमा इसको पे दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स आपको स्वागत है, वेलकम टू दिल्ली और अभिनंदन दिल्ली। और मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स आप लोग काफी प्लीज देखिए, जो उम्मीद है जो दिल्ली की सैर मेरे ब्लॉग पे दिखाऊंगा, जो ऑसम ब्यूटीफुल दिल्ली की सिटी है, जो राजधानी हमारे भारत की राजधानी दिल्ली कि यहाँ कहाँ गेम आए और उस ब्लॉग को मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हूँ मैं फ्रेंड्स दिल्ली की है, अभी मेट्रो स्टेशन के काफी रिलैक्स है क्योंकि मेट्रो ही एक रिलैक्स पॉइंट है। और आगे जो पहाड़ में निकलूंगा तो यहाँ जी की दिल्ली की जो तापमान है काफी गर्मी है और काफी गर्मी है, जो गुवाहाटी आसाम से गुवाहाटी आसाम से गर्मी है। और हम लोग फ्रेंड्स अभी जो हिल स्टेशन नैनीताल देहरादून काठगोदाम मसूरी यहाँ घूम के आया है कूल क्लाइमेट में अभी। और दिल्ली में अभी जो हॉट क्लाइमेट है पारा जो यहाँ जो तापमान बहुत ही काफी है। और जो है फ्रेंड्स आपको दिल्ली का सैर में इस ब्लॉग पर रहूँगा, प्लीज ड्यूस माई ब्लॉग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने आपने हमको यहाँ तक पहुँचाए और आगे भी पहुँचाएंगे। लव यू इंडिया, लव यू ऑल। मैं हूँ दास प्रदीप और आप देख रहे हैं ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली की सैर, आपको ले चलूंगा दिल्ली की ओर। फ्रेंड्स बाय बाय। फ्रेंड्स हम अभी बाहर निकले इसी जो है यहाँ के एस्केलेटर से जो दिल्ली की गेट निकल रहे हैं हम यहाँ से जी ऑफिस के लिए। और अभी हम सेंट्रल सेक्रेटरी पहुंचे हैं। हेलो गुड डे फ्रेंड्स, आपके दिन सुखमय और खुशहाल रहे। वेलकम टू दिल्ली। लास्ट ब्लॉग में आपको दिखूंगा दिल्ली कैसी है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बिल्डिंग सामने दिखा रही है ये रेल भवन है। और मेट्रो स्टेशन की बाहर की जो व्यूज दिखा रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स हम पहुंचे अभी मेट्रो से सेंट्रल सेक्रेटरीट और यहाँ की जो मेट्रो के जो कॉम्प्लेक्स है, अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर इंडिया गेट की ओर। ये दिल्ली के सड़के है, बस स्टैंड है यहाँ पे जो बात रुकी है। आपको दिखा रहा हूँ जो दिल्ली की शहर की झलक थोड़ा सा, ये जो बस लगी है फ्रेंड्स दिल्ली की है। और एक बार फ्रेंड्स आप सबको स्वागत 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 स्वागत, जो दिल्ली की खूबसूरत व्यूज आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स सामने जो है इंडिया गेट है, देखो आपको मैं ले जाऊंगा इंडिया गेट की तरह। और जो बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ जो बैक साइड की बिल्डिंग, अभी यहाँ पे धूप जो धुंधलापन है इसीलिए जो है फ्रेंड्स दिखाई नहीं रहा, विजिबिलिटी काफी कम है। आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ फुल वीडियो फ्रेंड्स। जो इंडिया गेट की सर्कल में पैदल वॉकिंग कर रहे हैं, परेड के लिए जान भी आएगी कभी। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया गेट की सर्कल अभी काफी अच्छे बना दिए, काफी ब्यूटीफुल, पहले ऐसे नहीं था, अभी पूरा पक्के हो गए साइड साइड में, पहले मिट्टी के था जो ग्राउंड, जो हरियाली पूरी हरियाली ग्राउंड काफी खूबसूरत लग रही है। आप देखिए ऑसम ब्यूटीफुल। यहाँ जो गर्मी काफी है फ्रेंड्स, गर्मी के तापमान बहुत ही काफी गर्मी गर्मी गर्मी।
हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम आपको जो कॉरिडोर जो दिखाया है, जो इंडिया गेट की जो उस पार की जो इस पर आने के लिए जो बनी है कॉरिडोर, जो काफ़ी खूबसूरत बना, पहले यह था नहीं, अभी जन कुछ साल पहले ही बनाया है और काफ़ी खूबसूरत है जो कॉरिडोर आपको मैं दिखाया, आपको कैसे लगा कॉरिडोर जो इंडिया गेट के पास है, जो इंडिया गेट पहुँचने के लिए एक सड़क से दूसरी सड़क के जाने के लिए ये बाईपास जो कॉरिडोर बने काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ का जो व्यूज है काफ़ी सुंदर था, आपको मैं दिखा हुआ है और आप आइए एंजॉय कीजिए यहाँ की जो नए जो लुक्स बनी है जो इंडिया गेट के पास में और जो है इसी रोड के डायरेक्ट सामने है कर्तव्य पथ। अब आपको ले चलूँगा कर्तव्य पथ जो यहाँ की खूबसूरत किसान है दिल्ली की। लव यू दिल्ली 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 सिक्स। हेलो फ्रेंड्स, इसी कॉरिडोर को मैं अभी अंदर से आपको आते हुए दिखाया था फ्रेंड्स, ये जो है कॉरिडोर उस पार जाने के लिए। अभी नीचे से आप अंडरग्राउंड होके यहाँ से जा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाया है अभी जो आम जनता के लिए। काफ़ी दिक्कतें थी पार करने रोड की और अभी जो खूबसूरत हो गए यहाँ, जो अच्छे लगे यहाँ के जो चेंजिंग हुआ कुछ, और आप लोग आइए यहाँ देखने के लिए, अच्छे लगे आप लोग को ये जो एरियाज है यहाँ की। आप सबका स्वागत है, इंडिया गेट के सामने पहुंच गया। काफी दूर चलते 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 फ्रेंड्स इंडिया गेट के पास करीब पहुंचा हूं और आपको दिखाऊंगा यहां का व्यू, जो भारत की जो शान है, हिंदुस्तान की शान है इंडिया गेट। हर कोई आता है यहां देखने के लिए और हम अभी आपको ले चले इंडिया गेट के पास। आज जो है फ्रेंड्स मौसम जो है काफी धुंधला, कुआसा कुआसा कोहरापन नजर आ रहा है, पूरी मौसम जो है साफ नहीं है, तो इसलिए दिल्ली की जो इंडिया गेट के व्यू सामने से आपको दिखाई है, जो दूर से धुंधलापन आ रही है फ्रेंड्स, आपको मैं ले जा रहा हूँ। ऑसम ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। लव यू असम, आप आइए यहाँ देखने के। हेलो असम, मैं हूँ अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली। ये जो रोड जो सीधी को जाती है कर्तव्य पथ की जाती है फ्रेंड्स जो, और फ्रेंड्स मैं यहाँ से ये दिखा रहा हूँ जो इंडिया गेट की ये सड़कें है, ये इंडिया गेट की सड़कें है और सामने काफ़ी दूर पे हमारे इंडिया गेट जो है आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। मैं आपको आगे ले जाके दिखाऊंगा इंडिया गेट। गेट फ्रेंड्स हम पहुंच गए थोड़ा सामने इंडिया गेट पहुंच गए। अभी आपको सामने जाए लेके आपको दिखाऊंगा इंडिया गेट की खूबसूरत। फ्रेंड्स इंडिया गेट पे आए हैं, यहाँ हर कोई आता है देखने के लिए और यहाँ पे बच्चे लोग इंडिया गेट में, जो बच्चे लोग आए स्कूल के बच्चे लोग आए हैं इंडिया गेट में, इंडिया गेट को देखने के लिए। ये स्कूल के बच्चे लोग हैं इंडिया गेट देखने आए हैं काफी दूर से। फ्रेंड्स ये है हमारा इंडिया गेट। फ्रेंड्स ये रोड जो सामने से काफी दूर से चल चल के हम पहुंचे हैं इंडिया गेट के पास और इंडिया गेट का जो व्यू है ये फ्रेंड्स, ये जो सीधा रोड जो है कर्तव्य पर की ओर जाती है इंडिया गेट से लेके आपको मेरे पर बोर्ड जो दिखा रहा हूँ कि ये कर्तव्य पथ की ओर ये सीधी की रास्ते है फ्रेंड्स। खूबसूरत सा एक जो
वर्ल्ड फेमस हमारे हिंदुस्तान की शान एक प्लेस से आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग दिल थाम के बैठिए, जो यहाँ की जो क्लाइमेक्स कितनी खूबसूरत आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देखिए हमारे जो हिंदुस्तान की शान इंडिया गेट कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमारे जो इंडिया गेट काफी सुंदर है, ऑसम ब्यूटीफुल। आप लोग विजिट कीजिए इंडिया गेट पे। हिंदुस्तान के हर नागरिक को आना चाहिए हमारे शान को देखने के लिए, काफी खूबसूरत है। काफी पुराने जो हिंदुस्तान की शान अभी भी वैसे ही है जो पहले था। फ्रेंड्स यहाँ जो इंडिया के हर कोने कोने से आते हैं यहाँ देखने के लिए, जिस बिल्डिंग इमारत को पुराने जो इमारत को देखने के लिए इंडिया के हर कोने कोने से आते हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ सामने के और इंडिया गेट के पास। फ्रेंड्स स्वागत है दिल्ली पे, और आपको मैं यहाँ की जो खूबसूरत आलीशान जो हमारे शान है हिंदुस्तान के जो गेट है इंडिया गेट के पास हूँ। फ्रेंड्स आपको यहाँ का जो व्यूज दिखा रहा हूँ काफी खूबसूरत, हमारे भारत के जो इंडिया गेट के पास हूँ। फ्रेंड्स आज मैं और आप मेरे ब्लॉग पर देखिए, आप सबका स्वागत मेरे ब्लॉग पे और अभिनंदन इंडिया गेट और मेरे ब्लॉग पे। फ्रेंड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा व्यूज इंडिया गेट की, आप देखिए कितनी खूबसूरत है हमारे जो हिंदुस्तान की इंडिया गेट। लव यू साहब अखोमराज सकल आप लोग आहोक यहाँ सब कारण दिल्ली आहिले माने इंडिया गेट सब कारण आहोक आपने वेलकम टू हियर। और खूब भल लगे वैकेशन चलि बर्तमान स्कूल गोयिंग बच्चा लोग चिल्ड्रेन आप लोग वैकेशन के लिए यहाँ आइए दिल्ली और यहाँ की शान को देख। ये जो हमारे दिल्ली की जो इंडिया गेट है हमारे भारत की काफ़ी खूबसूरत है, आपको मैं सामने से दिखाऊंगा। और सम ब्यूटीफुल यहाँ की जो देखिए जो कॉम्प्लेक्स स्टेशन बिल भारत की इंडिया गेट की जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ हर कोई आके अपने अपने रील्स फोटो सेल्फी लेते हैं। जी आलीशान खूबसूरत बिल्डिंग्स का गेट है इंडिया के हिंदुस्तान के इंडिया गेट जो काफ़ी खूबसूरत है। फ्रेंड्स आप आइए यहाँ पे, वेलकम टू इंडिया गेट। आपको मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स हमारे भारत के इंडिया गेट की जो कितनी खूबसूरत से सजा के रखे हैं। आप किसी भी टाइम पर आइए, ऐसे सजी हुई मिलेगा आपको। यहाँ पे हर स्टेट के लोग आते हैं इस जो इंडिया गेट को देखने के लिए जो हमारे खूबसूरत इंडिया गेट को देखने के लिए यहाँ से भारत के कोने कोने से आते हैं यहाँ। फ्रेंड्स आपको दिखा रहा हूँ मैं सामने से ये बिल्डिंग जो इंडिया गेट की बिल्डिंग है, सामने से दिखा रहा हूँ। आप तो दूर से देखते हैं, मैं आज करीब पास लेके इस बिल्डिंग आलीशान जो इंडिया गेट की स्टोन की यहाँ पे लिखा है कुछ लिखा है, आप गौर से देखिए। यहाँ आने के बाद में जो सामने से ये लिखा है, दिस स्टोन वॉज लेड बाय फिल मार्शल नेचर द डिक्स ऑफ कर्नाट। सामने क्या लिखा है और फिर नीचे की ओर जो ये गिरा हुआ है जो फैंस, ये सामने एक फुहारा जो पानी की काफी खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स और सम ब्यूटीफुल। यहाँ का जो व्यूज है काफी खूबसूरत, आप देखिए और सम ब्यूटीफुल। ये जो स्टेच्यू बनी है सुभाष चंद्र बोस की है, जो इंडिया गेट की आलीशान बिल्डिंग के पीछे सुभाष चंद्र बोस की जो लगी है स्टेच्यू। और यहाँ की कॉरिडोर काफी खूबसूरत है फ्रेंड्स, इंडिया गेट के पास जो कॉरिडोर है ऑसम ब्यूटीफुल। सामने जो है इंडिया गेट हमारे। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सुभाष चंद्र जी यहाँ की उनकी स्टेच्यू बनी है, उनको सलाम सैल्यूट जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स स्वागत मेरे ब्लॉग पे और ये भाई लोग को अभिनंदन मेरे ब्लॉग पे। ये है यूपी बुलंद शहर से यादव ब्रांड यादव ब्रदर्स है, इन्होंने मेरे यहाँ पे दिल्ली की गेट पे
मेरे ब्लॉग को जो सपोर्ट किया, थैंक यू ब्रदर्स लोग, बुलंद शहर यूपी के हर लोग, काफी काफी थैंक यू, सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ लव यू बुलंद शहर, बाय बाय, थैंक यू जी। हाँ आके काफी अच्छे लगे, यहाँ जो है हर कोई फोटो ले रहे, हम भी यहाँ के काफी फोटो लिए, अच्छे लगे। यहाँ आपको दिखा रहा हूँ जो सामने से मैं, ये जो खूबसूरत, यहाँ आके हर किसी का जो मन को काफी अच्छा लगे, यहाँ इंडिया गेट की दर्शन करने से, ये भी एक मंदिर की तरह ही है पवित्र स्थल, जो हर फौजी यहाँ आके सैल्यूट करते हैं इंडिया गेट पे। और हम भी आए इंडिया गेट में दर्शन के, काफी अच्छे लगे, और उम्मीद है आप लोग आइए यहाँ पे, वेलकम टू इंडिया गेट, भारत के इंडिया गेट है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ की जो विजिट कर ली है, हमारे जो हेरिटेज जो इंडिया के शान इंडिया गेट पे आए, काफ़ी अच्छे लगे, और उम्मीद है आप लोग भी आने से दिल्ली को आइए और यहाँ का जो इंडिया गेट के दर्शन कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर्यटक स्थल है जो इंडिया की शान है, और काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे हर जगह से आते हैं फ्रेंड्स, हर कोने से, भारत के हर कोने से आते हैं यहाँ की जो इंडिया गेट को देखने के लिए। जी इंडिया गेट आए, काफी अच्छे लगे, आप लोगों को थैंक यू, बहुत थैंक यू, और उम्मीद है आप लोग भी आइए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग, और स्वागत है आप लोग का, अभिनंदन मेरे ब्लॉग पे, इंडिया गेट पे अभिनंदन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ से हम चलते है आपको और दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी इंडिया गेट से और दूसरी हेरिटेज ऑफ इंडिया किसान, और भी यहाँ से काफी है दिल्ली, और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ की जो खूबसूरत जगह, प्लेस इज ब्यूटीफुल, जो भारत की शान हर किसी को पता नहीं होगा, जो गांव गांव पे अभी तो यहाँ जो भारत में डिजिटल इंडिया कर दिया, हर गांव में मोबाइल पहुँच गया, आप मोबाइल से ही इंडिया गेट के देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी खूबसूरत है, और उम्मीद है मेरे ब्लॉग को देखें।